नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भावना के भूखे भोलेनाथ। एक गांव के बाहर एक शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता ना चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार ना हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया। पुजारी जी ने उसका नाम माधव रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव के पुजारी का और बालक माधव का गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाकर बचा हुआ बालक माधव को दे देते और स्वयं गंगाजल पीकर सो जाते। धीरे धीरे माधव बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा था। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने माधव को मंदिर की साफ सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब वो स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक माधव का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा नहीं रहा। वो पुजारी जी की बताई तीन बातें कभी नहीं भूला। पहली बात, भगवान भोले शंकर को ताजी गरम रसोई का भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक माधव उसे गरीबों में बांट देता। वो ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगता, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और सभी में बांट देता। यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती तो भोले बाबा और भक्त माधव दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और तीन चार दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। माधव अपने भोले बाबा को गंगाजल का ही भोग लगता और स्वयं ही पीकर रह जाता। भोले बाबा माधव की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त को भूख से तड़पते देखकर उनसे रहा ना गया। वो सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज लगाकर माधव को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा कि सेठ जी ने ये भोजन सामग्री भेजी है, इससे रसोई बना, भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। भक्त माधव ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सुखी गीली लड़कियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भक्ति माधव को भोजन सामग्री देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भक्त माधव ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए चार महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में भोजन सामग्री की पोटली देने आए तो माधव उनसे बोले, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी
कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारे। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं। आप इसे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए ना। माधव बोला, ऐसे कैसे चलने दो, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भोजन सामग्री भेज रहे हैं। क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनकी भोजन सामग्री लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भक्त की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि आज तो लेने वाला ही देने वाले को दोष दे रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्ति के मनोभाव को देखकर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। माधव चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतनी सारी भोजन सामग्री किस लिए ले आए? नौकर बन भोले बाबा बोले, पुजारी जी, भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप रसोई बनाए और भोले बाबा को भोग लगाइए। ये बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। माधव ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भक्त माधव की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्ति के जहां दावत पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वो भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से मंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भागांबर और कानों में पहने सांप के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं भी सीधी कर उनमें गंगा और चंद्रमा को छुपा लिया, एक सुंदर सी रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली, हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया। पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहल कदमी करने लगे। पार्वती जी ने सुंदर बनारसी साड़ी पहनी जिसका रंग सेठ बने शिव जी के कुर्ते से मेल खा रहा था। सोने चांदी और हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए। भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के जहां दावत के लिए चल पड़े। भक्त माधव आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। वह अपने भोले बाबा का भोग तो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन सामग्री भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद देना था। अतः आज उसने भोजन बनाने में अपनी सारी कला झोंक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई और तरह तरह के पकवान भी बनाए। रसोई बनाकर भक्त माधव पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। जब भक्त माधव स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए
स्वयं तो आए ही हैं। साथ में अपनी सेठानी जी को भी ले आए हैं। माधव ने झट से दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए। मुझसे भूख सहन नहीं होती, माधव बोला, सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भक्त माधव सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता, आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन करवाता हूँ। सेठ बन शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती उनकी ये दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भक्त माधव पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करके चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को देखते ही हैरान रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला, वो शीशी करने लगे क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। वे शीशी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भक्त माधव और ओम नवाई शिवाय मंत्र का जाप करते हुए रसोई में भोग मिलाकर उसे पवित्र बना डाला। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसने के बाद हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब आप भी जी भरकर प्रसाद ग्रहण करें। भोले बाबा तो अभी अभी भगत से भी नजर बचाकर उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे। अतः भोजन करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। वे कभी माधव का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगते। माधव को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी, अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो इतने उतावले हो रहे थे, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। माधव की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर घटाघाट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि माधव ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज दोगुना स्वाद आ रहा था। माधव खीर परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। माता पार्वती, भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। माधव को होश आया और वह बोला, वह सेठ जी, वह मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई।
मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो मैं और ज्यादा ही बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी माधव रुहांसा होकर बोला, सेठ जी ये तो आपने ठीक नहीं किया, लेकिन सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। ममता में ही पार्वती माँ से माधव का रुहांसा मुंह देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की चार बंदे खा ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत माँ पार्वती तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भक्ति माधव बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में चार चार एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। ये कहकर जैसे ही माधव ने खीर के पत्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई, समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई, उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। माधव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।